हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं दीपक? आज जा रहे हैं मंदिर। हम लोग आज मंदिर के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के इतना जल्दी जल्दी रेडी वेडी हुए, नहाए हुए, तैयार व्यार हुए कि मतलब टाइम ही नहीं मिला कि स्टार्ट कर। निकल रहे हैं यहाँ से और मंदिर पहुँच के फिर दिखाते हैं। आज वैसे नवमी है, शायद मंदिर में बहुत भीड़ भी होगी। अंजू को कुछ मालूम नहीं है, ये अपने पता नहीं मोबाइल ये मैप लगाने की जगह वाइपर चालू कर देती है। मेरे हाथ से टच हुआ, ऐसे कौन मैप लगाता है। फाइनली अभी खुल गया। अब हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं, आपको मंदिर पहुंच के महारानी के दर्शन करवाते हैं। अंजू ने आज साड़ी वाड़ी पहन रखा है। मैंने ये तो पूछा ही नहीं, गाइस मेरी साड़ी कैसी लग रही। अभी मंदिर पहुंच के मैं पूरा दिखा दूं मेरी साड़ी कैसे मैंने पहना है। अभी आज मेरी छुट्टी है और हम अंजू ने बोला कि आज नवमी है तो मंदिर जाना चाहिए, हम लोग माता रानी के मंदिर जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने लास्ट टाइम दिखाया था, एक मंदिर हम गए थे वो जबल अली में है। हाँ। वो अभी नया बना हुआ, वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए थे उसके उद्घाटन के लिए। हाँ। अभी ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना है, ये एकदम समुद्र के पास में ही है ना, मतलब जिधर बोट वगैरह बोटिंग वगैरह होती है। दोस्तों ये रास्ता मंदिर के अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पे देखो बहुत सारी दुकानें हैं। और ये देखो भाई साहब कुछ ले रहे हैं, आंटी जी भी कुछ खरीद रही हैं। ये देखो एक कॉर्नर में बंदा खड़ा है, कैसे देखे जा रहा है। ये ग्रोपो से शूटिंग हो रही है क्या भाई साहब? और देखो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट है, जैसे तुलसी जी हैं और फ्लावर्स भी हैं। बहुत लोग होते हैं ना अपने घर में बालकनी में या फिर विंडो पर लगाते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं जो लोग भी दुबई में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुबई में हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी बेशक आपको। और देखो अभी जैसे जैसे सुबह हो रही लोग बढ़ रहे हैं। ये मंदिर के जाने का रास्ता है, आपने साइन बोर्ड देख लिया होगा। ये देखो भाई साहब ने कौन सी टी शर्ट पहनी है, देखो मुस्कुरा रहे, हेलो। और अब चलते हैं एकदम अंदर की तरफ मंदिर के क्लोज। ये देखो यहाँ पे सब कुछ सेल हो रहा है, क्या क्या कॉटन के बत्ती भी है, फ्लावर भी हैं, हर चीज़। और ये आंटी जी कुछ खरीद रही हैं। आंटी जी नमस्ते। अरे भाई साहब कुछ भूल गए क्या आप? ओके कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं। और ये देखो चाचा जी भी जा रहे हैं और चूड़ियाँ भी सेल हो रही है। अगर कुछ लड़कियाँ सोचे कि बरदुबे में चूड़ियाँ लेना है तो चूड़ियाँ ले सकती है। माता की चुनरी है तो एकदम विंध्याचल जैसा है, जैसे विंध्याचल हम जाते हैं ना। अंजू तुम यहाँ से कुछ मत लो, तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी घर में फुल है। यहाँ पर चूड़ियाँ ऐसे सेल हो रही हैं जैसे लग रहा है करवा चौथ आया हुआ है। अंजू तुम करवा चौथ के लिए यहीं से चूड़ियाँ ले लेना। और तो और यहाँ पे ना मंदिर, माता रानी के मंदिर भी छोटे छोटे सेल हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब मंदिर के हर एक सामान है। ऐसा नहीं आप लोग फील करोगे कि हम लोग अपने कंट्री में नहीं है, यहाँ दुबई में भी होके सब कुछ पूरा आपकी कंट्री मतलब इंडिया बसा हुआ है, पर दुबई में ऐसा लग रहा है। इतनी पर यही है कि पुराने वाले मंदिर में बहुत पतली पतली गलियाँ हैं तो आपको बच बचा के जाना पड़ता है। ये देखो अंकल जी कैसे बेचारे धीरे धीरे। अंजू चलो आप बस भी करो, तुम खड़ी हो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो? ये राइट साइड में अक्सर हम लोग आते हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ये देखो ये हाथ धुलने का नल है, यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं करना लिखा हुआ है। और ये सीढ़ी है, इधर का डोर पहले था, मंदिर का एक और गेट था, ये बंद हो चुका है। यहाँ पर देखो भाई साहब चश्मे वाले, हेलो कैसे हो? अरे ये क्या खरीद रहे हैं? ये भी कुछ और खरीद रहे हैं अपनी बीवी के लिए लग रहा है। ये हम मंदिर के गेट के पास से एकदम निकल गए, छोटे छोटे मंदिर है। देखो मैं भी 60 दिरहम का एक खरीदा था, मतलब इंडिया का 1000 का मंदिर खरीदा था। अभी आप लोग भी ले सकते हो अगर दुबई में रह रहे होते हो। माता की चुनरी भी है, बहुत प्यारी प्यारी चुनरी है। पहले मैं जौनपुर से लिया था यहाँ पर आने के लिए, अभी मैं दुबई से लेके जाता हूँ। देखो ऐसे पूरा वो चढ़ाने के लिए ना ये लोग सेट बना के रखते हैं, प्रसाद धागा फ्लावर सब कुछ। या जैसे आप लोग कलीरे बांधते हैं ना वो भी मिलता है, हाथ में रक्षा बांधने के लिए भी है। यहाँ पे एक बर्ड शॉप है, यहाँ पैरेट सेल कर रहे हैं, छोटे छोटे लव बर्ड्स भी हैं बट बोलने वाला तोता नहीं है। अब हम चलेंगे दूसरे एंगल की तरफ। जैसा कि यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की, ये एंट्री लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा ऊपर। देखो अंकल जी आ गए दर्शन कर रहे हैं, राधे राधे अंकल जी। ये देखो बड़ी मार्केट की तरफ अब हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग सामान खरीद रहे हैं। ये सबसे पतली गली तो यही है, मैं दिखाना भूल गया आपको। इस पतली गली से जाते हैं हम समुद्र की तरफ। और मुझे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक ग्रीनरी पसंद है, जैसे छोटे फ्लावर हैं और तुलसी जी हैं। मैं तो सोच रहा हूँ, पहले भी जैसे आपको दिखाया, मैं सोच रहा हूँ एक तो आज भी लेके जाता हूँ। क्या बोलती हो अंजू, लेके जाना है नहीं लेके जाना है?
देखो पानी भी मुझे देना है तो मैं नहीं ले जाऊंगा। टीका लगा लिया, दीपक भी टीका लगा रहे हैं, दीपक का भी टीका लग गया और हमने ले लिया यहाँ से पूजा का सामान चढ़ाने वाला और अब हम जा रहे हैं मंदिर। ये देखो यहाँ से शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है और उसके बाद आगे आके जो भी हम चढ़ाने का सामान लाते हैं वो दे देते हैं पंडित जी, भगवान जी को चढ़ा के हमें प्रसाद वापस दे देते हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे आके बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और कुछ लोग सुकून के लिए भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहते हैं। और फिर ऊपर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में जाने के लिए सर कवर करना पड़ता है, तो ये देखो मैंने अपना सर कवर कर लिया और ये है यहाँ का गुरुद्वारा। मैं गुरुद्वारा में पहुँच गई, गुरुद्वारा में भी आके बहुत सुकून लगता है थोड़ी देर बैठ के। और ये सीढ़ियों से उतर के हम फिर नीचे जाते हैं, ये एग्जिट है और आगे जाके यहाँ पर प्रसाद दे रहे होते हैं पंडित जी थोड़ा सा प्रसाद लेके। ये देखो हम लोग कृष्णा मंदिर पहुँच गए, कृष्णा मंदिर पर नीचे आके यहाँ पर आरती रखी होती है, सब लोग यहाँ पर आरती लेते हैं। और उसके बाद बाहर आके कृष्ण जी के बहुत सारे मतलब बाल रूप से लेके बड़े तक बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो सब लोग यहाँ पे अभी आके थोड़ा पूजा करते हैं। उसके बाद ये है बाहर का गेट कृष्णा मंदिर का, यहाँ से हम लोग निकल के ये आ गए बाहर। तो गाइस देखो यहाँ पे दो मंदिर है, एक शिव टेम्पल है, कृष्णा जी का मंदिर है। ये देखो इस साइड में कृष्णा टेम्पल है, सब लोग यहाँ पे शूज वगैरह चेंज करते हैं फिर अंदर जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। और यहाँ पे साइड साइड में पूरी शॉप है जहाँ पे फ्लावर्स और भगवान को चढ़ाने के लिए सब सामान मिलते हैं। जैसे देखो ये गली है, इसके अंदर से जाते हैं हम, ये देखो 1 2 3 4 मतलब कंटिन्यू बहुत सारी शॉप है। तो ये देखो हम लोग मंदिर की गली में आ गए, अंजू ने प्रसाद भी ले लिया, चंदन भी लगा लिया और यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह जाते हैं। पंडित जी होते हैं वो चंदन भी लगाते हैं और ये भी बांधते हैं हाथ में और उसके बाद प्रसाद लेके फिर हम लोग मंदिर जाते हैं। अंजू का गला, अंजू का गला बैठा हुआ है क्योंकि इसने रात में बहुत गाना गाया है। तो ये एक मंदिर की गली, ये भी एक कुंज की गली है ना, इधर से एक ही आदमी निकल सकता है। अरे ये देखो भैया ने इधर भी शॉप बना रखी है, ये देखो इधर भी फ्लावर वगैरह सेल कर रहे हैं, पूजा का सामान है पूरा, इन्होंने एक कॉर्नर ही यूज कर लिया है। बहुत सारे कबूतर हैं, तो गाइस हम लोग मंदिर के पीछे पूजा उजा करके आ गए। दीपक का प्रसाद खाने का मन कर रहा है बट मैं दे नहीं रही हूँ। तो यह है मंदिर के पीछे वाली जगह। देखो एकदम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, पीछे एकदम समुद्र है। ये देखो इधर बोटिंग वगैरह होती है, ओनली 1 दिरहम मतलब इंडिया के 22 रुपीज में आप इस साइड से दूसरे साइड पार जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे बोट ऐसे ऐसे क्रूज होते हैं, 1000 रुपए में आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, खाना भी मिलेगा। तो गाइज हम लोग मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए। ये देखो ये प्रसाद है, अंजू ने बहुत सारा प्रसाद लिया था। क्या क्या अंजू खिलाया? देखो झूठ बोल रही है। कर आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी नवमी, हैप्पी रामनवमी रामनवमी ना, माता रानी आप लोगों की दुआएं कबूल करें।